पूरा भाई सब इंडियन स्टाइल में ना नाश्ता तैयार है। कितने मजे से खा रही है, आंखें बंद करके ना। ये लोग गाली नाक वाले उसके नाक पे अभी भी लगी है। बाकी यार यहाँ तक इतना टैनी के बच्चों का सफर काफी बार हो गया कि कभी आ रहे हैं टैनी के बच्चे, कभी जा रहे हैं टैनी के बच्चे। हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम भाई और बहनों, वेलकम बैक हो गया तुम सबका नए व्लॉग के अंदर। अच्छा तो भाई और बहनों, सबसे पहले आपको मौसम दिखाता हूँ। ये चेक करो भाई साहब, मौसम की सूरत हाल कुछ इस तरह से है। बड़ी खूबसूरत धूप निकली है, बहुत खूबसूरत मौसम, बिल्कुल खुशगवार है। और इस साइड पे बैठी हुई है टैनी, सुबह से बड़ी शरारतें इन्होंने की है। देखो अभी भी शरारतें कर रहे हैं थोड़ी बहुत ना। बाकी अभी ना मौसम तो बिल्कुल ठीक ठाक बन गया है, धूप शूप बड़ी खूबसूरत निकलती है। मैंने सोचा क्यों ना अपने तोतों को ना कमरे से निकाल के यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाए। तोतों के छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उन्होंने तो बाहर का माहौल देखा ही नहीं, वो कमरे में रहे हैं जब से पैदा हुए हैं, उन्होंने धूप तो बिल्कुल भी नहीं देखी। तोतों को तो हम बाद में शिफ्ट करेंगे, सबसे पहले ना अपना हुलिया चेंज करना है, एक दो काम है, बाजार से ना कुछ सामान लेके आना है, मैंने अभी नाश्ता करना है, काम बड़े हैं। नाश्ता तो आपको पता सबसे ज़रूरी होता है, वो पहले ही करना चाहिए। तो पहले नहा दो के ना कुछ सामान लेने जाना है बाहर से, और बाहर ही नाश्ता करेंगे क्योंकि घर में ना गैस बंद हो गया है। तकरीबन 11 बज रहे हैं, 11 से ऊपर ही टाइम हो गया है, तो 9 बजे गैस चला जाता है। अभी जल्दी से सबसे पहले तो ये वाला सूट मैंने निकाल के रखा था, एक ब्लू कलर का, जो मैंने नहा के चेंज करना है, तो अभी जल्दी से नहाने लगा हूँ और ये कपड़े चेंज करने लगा हूँ। लो जी, अभी नहा दो के बिल्कुल फ्रेश हो गए हूँ, कपड़े छपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं, तो अभी ज़रा चलते हैं बाजार ही। खैर ये आपको दिखा दूँ, ये पता नहीं चीनी, आयल, साबुन, पत्ती, साबुन, लैक्स, शैम्पू, कोलगेट, ये घर के सामान की कुछ लिस्ट। पहले नाश्ता करना है और फिर ये सामान पकड़ेंगे। बाइक से कपड़ा उतारो। बाहर जाने से पहले मैंने सोचा ज़रा टैनी और भालू की ना पेड़ पूजा करवा दी जाए। अभी इनमें मैंने ना फीड दी है ये वाली, तो बड़े मज़े से खा रहे हैं। आपको पता है हमारे पास ना टैनी के सारे बच्चे होते थे, बर्फी भी, लियो भी, काली नाक वाला भी। काली नाक वाला तो अभी है, बाकी आपको ना टैनी के बेबी नज़र नहीं आ रहे होंगे। खैर बात वो थोड़ी सी ना लंबी है, पहले मुझे ना भूख शूख काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, पहले बाजार से हो आते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं, फिर मैं आपको ना टैनी के बच्चों की स्टोरी बताता हूँ। अच्छा तो अभी ना घर से निकलता सीधा आया हूँ नाश्ता करने के लिए, साथ में ना मैं दोस्त को भी ले आया था कंपनी के लिए, नाश्ता वगैरह हमारा आ गया, जिसमें ना हलवा पूड़ी मैंने मंगवाया, ये 3 पूड़ियाँ, चने, साथ में हलवा, सलाद और अचार, पूरा भाई सब इंडियन स्टाइल में ना नाश्ता तैयार है। अभी जरा टेस्ट करते हैं सबसे पहले, तो पहली पूड़ी के बॉइल लगाते हैं हलवे के साथ। मजेदार। अभी पूड़ी की दूसरी बॉइल लेते हैं चनों के साथ। हाँ जी मुगल साहब, मजेदार। अच्छा तो यार अभी ना हम आ गए हैं स्टोर पे, ये घर का कोई सामान वगैरह लेने, यहाँ से देखे जाते हैं और सामान इकट्ठा किए जाते हैं। पत्ती सुप्रीम पकड़ लें, थोड़ा सा बड़ा पकड़ लें, पकड़ना, हाँ यही पकड़ लो, यहाँ इससे बड़ा ये वाला नहीं है बोला, सेम ही है, चलो ये ऊपर से देख लो ना, यहाँ से ऑयल हो गया, सुर्ख मिर्च होगी, नमक हो गया, साबुन और पत्ती होगी, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी नहीं हुआ, ये भी हो गया, ये भी नहीं हुआ। अभी मैं आपको दिखा दूं, ये काफी सारा सामान ना हमें मिल गया है यहाँ से, थोड़ी बहुत चंद चीजें हैं जो नहीं मिली वो किसी और स्टोर से हम ना ढूंढ लेंगे। सारा सामान उठाते हैं, टैनी और भालू दोनों आके बैठ गए, कहाँ पे जाना है, तोतों के पास जाना है, चलो जी चलें, चलो जी तोतों के पास चलें, चलो चलो चलो। टैनी तोतों के पास जा रही है, लेकिन तोते है कहाँ पे, तोते तो है ही नहीं, तोते तो यहाँ पे है ही नहीं, जिस जगह पे पिंजरा होता था ना बिल्कुल उसके सामने टैनी बैठी हुई है, टैनी देख रही है यहाँ पे तोते होते थे लेकिन है कहाँ पे, गए नहीं, नज़र ही नहीं आ रहे। टैनी 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 टैनी
कहाँ पे हैं तोते? भाग के आई है दरवाजे के पास ना, कि तोतों के पास जा रही हूँ, लेकिन तोते आगे है ही नहीं। देख रही है कभी इधर कि यहाँ पे उड़ तो नहीं गए? वो देखो ऊपर देख रही है कि यहाँ बाहर तो नहीं उड़ गए। मैं आपको भी बता देता हूँ, कमरे से उठा के ना मैंने तोते टेरेस पे शिफ्ट कर दिए हैं, जिस तरह मैंने आपको कहा था। अभी टेरेस पे चल के आपको दिखाता हूँ। आ जाओ टैनी मेरे पीछे पीछे आओ, इधर आओ टैनी। तो जी भाई साहब ये चेक करो, ये मैं अभी आया हूँ टेरेस पे, सारे के सारे तोते मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिए हैं। ये देखो टेरेस का माहौल ही कुछ और है ना, धूप भी कितने मजे की है, आसमान ऊपर इन्हें नजर आता रहेगा हर चीज, शाम कब हो रही है, दिन कब हो रहा है। अभी यहाँ पे ना काफी प्यारे लग रहे हैं ये सारे, तीनों के तीनों बच्चे बाहर ऊपर बैठे हुए हैं, साफ क्लियर है सब कुछ इनके सामने। बाहर भी तो तोतों के बच्चे दरख्तों भी होते हैं ना, सारा दिन देखते हैं हमने इन्हें ऐसे कमरे के अंदर इतनी देर रखा है। अभी वैसे मौसम ठीक हो गया, हमने बाहर निकाल लिया इन्हें। टैनी देखो टैनी देख के आ गया मेरे पीछे पीछे कि तोतों की आवाज़ तो यहाँ से आ रही है। आपको पता है हमने ना सर्दी की वजह से अंदर रखा था, क्योंकि ये हमारे टेरेस के ऊपर ना इतनी ज़्यादा धुंध होती थी, सर्दी होती थी, जितनी ज़्यादा सर्दी पड़ी है आपको भी पता ही है, इतनी सर्दी में इंसानों का रहना मुश्किल था, वो तो फिर भी बेचारे जानवर तोते हैं छोटे छोटे। खैर आज से हमारे तोते यहाँ पे इस खूबसूरत टेरेस पे रहेंगे। तोतों के बच्चों ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ना ये दिन का टाइम देखा, दिन की रोशनी देखी है, नहीं तो इन्हें पता ही नहीं था होता कि ये सुबह भी होती है, शाम भी होती है, सूरज भी होता है। उधर से काली नाक वाला भी चलता चलता आ गया, चलता चलता ना रास्ते में रुक गया था कि ये कहाँ पे आ गए हैं तोते। वो देखो टैनी की शरारतें नहीं ख़त्म होनी, जिस बात का मुझे डर था ना वही हो रहा है। बाकी आपको बड़ी एक अहम बात बता दूँ, अभी आपको पता है टैनी के बच्चे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा होते थे, अभी सिर्फ बालू है और यहाँ टैनी है बस। हमारे पास होती थी बर्फी, लियो होता था, वो आपको ना नज़र नहीं आ रहा होगा, तो मेरे से काफ़ी लोग पूछ रहे थे भाई लियो कहाँ पे गया। मैं आपको बता दूं, मैंने ना आपको पहले भी एक बार कहा था कि टैनी के बच्चे हमारे पास परमानेंट नहीं है, हमने देने ही देने हैं। वैसे आप में से काफ़ी लोग कह रहे थे ना दो वापस, अपने पास ही रखो यार, प्यारे तो लगते हैं, दिल तो नहीं था करता देने को, लेकिन ना इतने ज़्यादा घर में रखे नहीं जाते। फिर टैनी ने ना अभी आपको बताया था पीछे ना एक मेल कैट लेके आए थे, टैनी ने अभी और बेबी भी देने हैं, फिर इतने ज़्यादा बेबी घर में कैसे रखेंगे। तो वो फिर मैंने लियो भी एक अपने दोस्त को दे दिया है, बर्फी भी मैंने एक दोस्त को दे दी है, जो कि काफ़ी अच्छे से ख्याल रखेंगे। तो रह गई बात बालों की, काली नाक वाले की, ये तो हमारे पास परमानेंट रहेगा ना, बाकी टैनी के और बेबी होंगे तो वो भी आपको दिखाऊंगा जल्दी। ठीक है समरिया। और टैनी, और टैनी, ये देखो यहाँ पे अकेली टैनी नहीं संभाली जाती मेरे से, तो आप कहते हो सारे के सारे बच्चे रखो इनके यहाँ पे मेरे से, टैनी अकेली नहीं संभाली जाती, इतनी जो शरारतें करती है, एक इस साइड पे बैठ गया, एक उस साइड पे बैठ गया, जिस साइड से इनके हाथ लगेगा वो पकड़ लेंगे खुद ही। बाकी यार यहाँ तक इतना टैनी के बच्चों का सफर काफी बार हो गया कि कभी आ रहे हैं टैनी के बच्चे, कभी जा रहे हैं टैनी के बच्चे, पक्का फाइनल है टैनी के बेबी अब वापस नहीं आएंगे यहाँ पे, जिनको दिए ना वही अच्छे से ख्याल रखेंगे, वही टेक केयर करेंगे, वही उन्हें बड़ा करेंगे जिस तरह हम टैनी का ख्याल रखते हैं। अब जब नए बेबी होंगे टैनी को, वो मैं आपको दिखाऊंगा जल्दी, मुझे भी काफी इंतजार है। ये लो टैनी, ओए ओए गिनने लगी है, खा लो टैनी नाक पे लगा दे टैनी के टैनी के नाक पे लगा दी, साफ कर रही है, काली नाक वाले ने भी खानी है, ये लो खा लो। काली नाक वाला किसी चीज से मना नहीं करता है, कहता है जो भी मुझे देना है दे दो, मैं खुद ही खा लूंगा, मजेदार, और बड़े मजे से हर चीज खा लेता है। काली नाक वाले काली नाक पे भी लगाए, ये तो लगाने नहीं दे रहा। ओ, ओ। काली नाक वाले का नाक सफेद हो गया उसका, टैनी को खिलाते हैं, खा लो टैनी कितने मजे से खा रही, आंखें बंद करके ना, ये लो काली नाक वाले उसके नाक पे अभी भी लगी है इसे साफ ही नहीं हो रही यार, काली नाक वाला भी जी भी है। हर भाई और बहनों अभी फिर इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज।